जनतंत्र में आस्था का प्रतीक है, जनतंत्र में आस्था का प्रतीक है। मतदान एक ऐसी अनूठी रीत है, मतदान एक ऐसी अनूठी रीत है। परम सम्माननीय इस क्षेत्र के सभी बुजुर्ग वर, युवा वर तथा मेरी आवाज के दायरे में आने वाली नरवा की प्रबुद्ध जनता, मैं तेजस गुप्ता राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नरवा का छात्र सभी के समक्ष मतदान के उपलक्ष्य में कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप इस बात से भली भांति ही परिचित होंगे कि हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिस लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे मत देने का अधिकार प्राप्त है। मतदाता पंजीकरण के बाद देश के प्रत्येक नागरिक को शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाने का अधिकार प्राप्त है। हमारे वोट में सरकार गिराने और सरकार बनाने की शक्ति होती है। हमारा केवल एक वोट चाहे तो वो सरकार गिरा भी सकता है और सरकार बना भी। जैसा कि आप इस बात से भी भली भांति ही परिचित होंगे कि हमारा देश भारत 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक देश बना था। जिस दिन हमारे भारत का संविधान लागू होने जा रहा था उससे ठीक एक दिन पूर्व ही हमारे भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। जब भारत सरकार को ऐसा लग रहा था कि हमारे भारत देश में कई सारे मतदाता मतदान करने से वंचित रह जाते हैं, तो हमारी भारत सरकार ने 25 जनवरी 1950 को एक दिवस पारित किया जिस दिवस का नाम पड़ा मतदाता दिवस। उस दिन के बाद से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को हमारे भारत देश में मतदाता दिवस मनाया जाने लगा। हमारा भारत देश जहाँ युवाओं की आबादी कहीं अधिक है, उनमें कुछ युवा शिक्षित है तो कुछ युवा अशिक्षित, तो ऐसे में शिक्षित युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे अशिक्षित युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करें, जागरूक करें। यदि आप लोगों को भी मतदान के रूप में पंजीकरण करना है तो आपके अंदर 3 योग्यताएं होनी चाहिए। पहली, आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। दूसरी, आप भारत के नागरिक हो। और तीसरी, आपका मतदाता सूची में नाम हो। यदि आपके अंदर ये 3 ही योग्यताएं हैं तो कृपया मत जरूर दे तथा दूसरों को मतदान के लिए जागरूक करें। ये जो एक दिन है इसे छुट्टी ना समझना, क्योंकि ये वो दिवस है जब हम अपनी सरकार बनाएंगे और अपनी सरकार गिरा भी सकते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने वोट की शक्ति से देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद जैसी समस्या या मुद्दों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अपनी वाणी को विराम देता हुआ बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मत जरूर